हेलो गाइस, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। दिस इज अक्षय गुरु, फैकल्टी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। सो आई एम अगेन हियर विद यू इन आवर स्टूडेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव पीटी मैराथन। एंड इन दिस इनिशिएटिव, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू गाइस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट years question papers. This discussion is so straightforward and clear, right? That is so targeted with the examination, clear with what we are supposed to achieve from this discussion, not ranging from more than half an hour. And yeah, what the core is to help you to understand which areas, themes, focus, and what in addition you are supposed to do, okay, to clear this upcoming examinations of UPSC films. So with this introduction, now I would like to start with the question analysis of year 2021 and 2020. Agar aapne 2022 ka एनालिसिस नहीं देखा हो तो यू कैन लुक फॉर दोज दैट वीडियो एज वेल, गो थ्रू दैट वीडियो एंड देन यू कैन स्विच ओवर टू दिस वीडियो एज वेल। ओके, सो लेट्स बिगिन विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ देखो, एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, कि बहुत बार होता है ये कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में दैट इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज, see to which area you are supposed to focus, in which particular depth, in which particular say horizontal extent or stretch you are supposed to focus. तो बहुत बार ये questions मुझसे पूछा जाता है कि सर environment को deal कैसे करना, या environment ecology के topics को deal कैसे करना। So the answer that always right that I gives them, that is what, divide and rule. So try to divide those environment and ecology related questions into different themes and then try to look out for say the depth of each question, right? So jis depth mein question hoga, accordingly you will find easy to deal with those things. Okay, so starting with this themes first, dekho themes, questions are on वेरी और हाईली सिलेक्टेड थीम्स। ऐसे नहीं है कि यूपीएससी सो रैंडम एग्जामिनेशन, इवन दो हाईली डायनामिक, बट दैट डजंट मीन यूपीएससी इज हाईली रैंडम एग्जामिनेशन। एरियाज फिक्स है, नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑलवेज यू विल फाइंड फिक्स, स्ट्रक्चर इज ऑलवेज फिक्स। हाँ, इट मे बी टॉपिक्स आर राइट कि सम हाउ गेटिंग डिफरेंट और वेरिएबल टू देयर नेचर, राइट? तो देखो, आई हैव आइडेंटिफाइड फ्यू थीम्स ओवर हियर जस्ट टू हेल्प यू आउट फॉर दिस। बेसिक एनवायरमेंटल क्वेश्चंस रहेंगे अबाउट द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनवायरमेंट, इकोलॉजी, देन इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, देन एनर्जी ट्रांसफर, डेट्रीवोर्स, देन प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स, दैट पर्टिकुलर सिस्टम, फूड वेब, फूड चेन, ओके, बायोकेमिकल साइकिल्स, ये सभी बेसिक थीम्स है, basic environmental question. Then biome, as you know, that is what again one of the very critical aspect hai, but ye biome ki study to guys you will find ki ye to geography ki climate wale point se bhi connect ho jayega, and over here with the biome as well. Theek, then species, plant and animal species, again in two different heads, and you know ki UPSC plant and animal heads pe questions continuously puch hi raha hai, it just because ki इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का भी प्रीलिम्स सेम है, राइट? सो जस्ट टू से कीप देम ऑन इक्वल फुटिंग, ये कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐड है। इन एडिशन से सम डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल देयर, राइट? कैसे है, विल सी, लाइक से मॉस्किटो रिपेलेंट पे क्वेश्चन है, ओके? तो ये कुछ डेली ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन है वेयर यू आर नॉट सपोज टू, ओके, सपोज टू डील विद और से स्टडी इन दोज डिटेल्स, बट एट लीस्ट अ बेसिक आइडिया कि हाउ क्रिटिकल यू आर अबाउट योर सराउंडिंग, कि कितने ऑब्जर्वेंट हो आप, ओपन आइड हो, दैट इज वॉट दिस दिस पर्टिकुलर थीम इज ट्राइंग टू चेक यू फॉर। देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, दैट इज हाईली वॉट वाइड रेंजिंग, एंड या दैट इट सीम्स वन ऑफ द नाउ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल एंड रहेगा इसका, तो वो एक पॉइंट है
then international convention and treaties, then protected reserves and areas. Yeah, that is what very well known areas as such, protected area and reserve, tiger reserves, hai, wetlands, hai, national parks, hai, biosphere reserves, hai, those related. Then environmental issues, pollution, exploitation of resources, resource depletion, environmental legislation, acts and policies, right? So these are what the identified themes for environment and ecology. Okay, so now I have divided those questions, say ke jo hamare time duration mein complete ho, and those are the best reflective of these themes. Okay, or strategy as well. To usi according select kiya hai maine. So let's discuss those questions. First, the very easy and the very basic question as well. Ke jo very like say what question to bahut easy hai. But what happens sometimes due to confusion, due to absence of revision or the kind of say, we just tend to neglect this particular simple equation, right? Equation in the sense that cons amount of water distribution kaisa hai on the earth surface. Isi basis pe ye particular question. Have a look over 2021. With reference to the water in the planet Earth, consider the following statements. The amount of water in the rivers and lakes is more than the amount of groundwater. The amount of water in polar ice caps and glaciers is more than the amount of groundwater. So simply, ice cap mein zyada water hai than groundwater, and over here rivers and lakes are having more water than groundwater. That is what this two statements are trying to ask you for. ठीक है, to validate this statement. तो देखो अर्थ अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, अब ये तो बहुत बेसिक है, द वन हु इज व्हाट अपीयरिंग एक्चुअली फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन बनता है. ठीक है, बनना ही चाहिए आई बिलीव. सो स्टिल ओशन में 97% वाटर है. यू विल फाइंड 2% इज विद द ग्लेशियर, आइस एंड ग्लेशियर, से 0.7% इज विद द ग्राउंड वाटर, एंड देन यू विल फाइंड द रेस्ट 0.3% इज विद द सर्फेस rivers, lakes, those bodies. So, अगर इसका equation हम लिखेंगे तो oceanic water or salt water, then you will find ice caps, glacier, then you will find groundwater, then you will find surface water. ठीक है? तो ये simply based on this equation you can solve this question, right? तो देखो river is more than groundwater, absolutely not. So first statement stand incorrect. Surface water ही river water that way, and ice water is more than groundwater. Yes, ice, groundwater. So this statement sir, correct answer is B only, right? देखो बहुत easy fact पे simple equation पे question है, और ऐसा ही question that was asked in 2011 as well. 2011 में ऐसा ही question है जो अभी मैंने add नहीं किया है इसमें, but you will find that question was asked in the examination as well. तो you will find repetitive themes and repetitive nature of questions as such in the examination. Then basic environment पे ही question है 2021. What is blue carbon? Right, you must have heard about black carbon, you must have heard about brown carbon, right? देखो अगर ये question अभी आप discuss कर रहे हैं तो ये question फिर से repeat होगा, chances are pretty much low. But like question repeat होगा, chances are pretty much high. So if even if this question is about blue carbon, look for what it means by black carbon. What is brown carbon, right? Then blue carbon, ठीक है? अच्छा सिर्फ carbon ही देखना है क्या? I feel no. Look for say black hydrogen as well, ठीक है, जो भी current में चल रहा है, green hydrogen as well, okay, and related different types of hydrogen, pink hydrogen you will find, grey hydrogen as well, grey carbon as well. तो ये जो सब कुछ color codings है of this respective elements, okay, this elements, right? तो उनका कोई significance in the world affairs due to say India wants to be a hub of now green hydrogen. तो जब ये statement या policy government say disclose कर रही है in the public domain, it means green hydrogen is pretty much important for us. तो this way देखो question फिर से यही नहीं आएगा, but question इसी के जैसा फिर से आएगा ये examination, okay? तो what is blue carbon? It is related with the coastal economy. Oh, sorry, coastal ecosystem. So capture the carbon that is captured in ocean and coastal ecosystem. That is what the highest amount of carbon that is absorbed by the ocean in true sense. ठीक है? The carbon sequestration, the largest carbon sequestration. Then again on the basic 2021. In which one of the following biogeochemical cycles, the weathering? ठीक है? It is about weathering. Rock is the main source of release of nutrients to enter the cycle. देखो क्वेश्चन अगर समझ आया ना आपको, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट सीम्स क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट सीम्स बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है.
बट इफ यू एनालाइज डीपली राइट, अब ये प्रैक्टिस ये स्किल कब आएगी पता है, व्हेन यू अटेम्प्ट से नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली योर माइंड विल गेट ट्रेन्ड फॉर दैट, हाउ टू इंटरप्रेट और हाउ टू रीड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. So question say it's about say in which biogeochemical cycle you will find the only way to enter into, right, to open the cycle is by means of weathering or erosion, you may say, right. So for that matter you have to understand ki weathering kya hai. Weathering hai matlab rock ka decomposition and degradation, right. So it is for sure or certain that either of those mentioned option, it should have the mineral element that is only found in rocks, जो कि atmosphere या किसी और element form में नहीं होगा, yeah? If you understand only this basic minimum fact, this basic requirements ना, तो ये question बहुत easy to attempt. See how? देखो carbon cycle, carbon तो atmosphere में भी है as a carbon dioxide, yeah? तो carbon cycle का तो वैसे भी case नहीं बनता, so there is no compulsion कि ये weathering से ही start हो. Yeah, it may start from the very atmospheric layer itself, right? Then absorption okay bhi ho sakta hai. Then there is again a case for nitrogen. Nitrogen, 70, you'll find 78% of nitrogen as such in atmosphere. So ye bhi, it is not compulsory as such to start from rock itself. Though nitrogen rich rock bhi kam hi hote hai waise, but still, even if they are, right, it can start from other way as well. Then फॉस्फरस साइकिल, या देर आर सम चार्जेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपने कभी फॉस्फरस है ऐसा पढ़ा है? आई गेस नो, राइट, क्योंकि एटमॉस्फेयर में फ्री रिलीज फॉस्फरस एज सच नो यू वोंट फाइंड इट, राइट. सो फॉस्फरस इज ए दैट एलिमेंट विच हैज स्ट्रिक ऑफ लाइट, दैट इज हैविंग ए लाइट इल्यूमिनेंस पावर, राइट. तो ये है, और यूजुअली यू विल फाइंड इट इज इन दी इट इज एक्चुअली कैप्चर्ड इन द रॉक सरफेस, ठीक है. तो ये एक केस है. नाउ हैव अ लुक फॉर सल्फर. Sulfur, you will find SO2 as well, SO3 as well, and SOX again in atmosphere as well, right. So it is very clear that either of this element, right, these three elements, you will find even in the freely available in atmosphere. So if atmosphere is, then atmosphere se bhi to start ho sakta hai. But that is not a case with phosphorus. That odd man out actually say, in this particular question is phosphorus. Okay, so dekho logic hi tha, baki you are not supposed to have the basic very detailed understanding about ki phosphorus cycle ki work hi kaisa karta hai. No, simple pucha hai, but in a tricky way, a bit tricky way, okay, which are those weathering and starting. Okay, next, again detrivores, which of the following are detrivores? Okay, detrivores. तो सिंपली डेट्रिटिवोरस क्या रहेंगे? डेट्रिटस एसिड मैटर फीडर, सिंपली दे फीड ऑन द डेड मैटर. ओके, सो ओवर हियर यू विल फाइंड अर्थवर्म, दिस मिलीपेड्स एंड वुडलिस, दिस आर द डेट्रिवोरस, ठीक है. बाकी जो जेली फिश है एंड सी हॉर्स, एब्सोल्युटली जेली फिश और सी हॉर्स के साथ तो नहीं जाएंगे, इवन से बाकी अगर पता ना भी हो तो भी नो इश्यूज. बट यस, देखो फिर से ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं होगा. इट मे बी लाइक क्वेश्चन मे बी ऑन प्रोड्यूसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कार्निवोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओमनिवोर्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. आर यू गेटिंग? एंड रेनिंग विद द डिफरेंट स्पीशीज, राइट. यू हैव टू डिग प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज. The world is full of possibilities. UPSC is having very high possibilities to ask the different dimensional questions. Okay, so what you have to focus on, you have to look for this possibilities. Okay, so aur bhi kuch agar species current affair mein hai, to do identify their respective status. Okay, ab IUCN ke status pe bhi question aa sakta hai any particular species ke. Do look for the status of IUCN as well. देखो ऑप्शन से ही है कि questions बनेंगे, क्वेश्चन से है कि ऑप्शन बनेंगे. तो जब ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, बिलीव मी दिस टू क्लियर दिस और टू प्रेडिक्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बिकम्स प्रीटी मच इजीयर फॉर यू. ओके, सो डू दिस थिंग्स. देन अगेन ऑन द बेसिक 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बेसिक पे कितने सारे क्वेश्चन है, राइट. वी यूजुअली टेंड टू निगलेक्ट द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. करंट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, नो डाउट यू आर सपोज टू, बट द थिंग इज कि बेसिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. देखो
पूछा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दिस ऑर्गेनिजम्स विद सॉरी अदर ऑर्गेनिजम्स. तो यू मस्ट बी नोइंग सुभाष चंद्र बोस उनका जो फेमस कोट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, राइट. तो ये जो तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें इन रिटर्न में आजादी दूंगा, ये क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन. यस, इन आवर क्लास वी यूजुअली डिस्कस इन सच अ वे के जिसमें आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, इवन इफ इट अपीयर समहाउ ट्रिकी, इवन इफ अपीयर समहाउ सिंपल, राइट, तो कुछ ऐसे वे से कनेक्ट करना है, इंटरलिंक करना है ना, कि जिससे वो कॉन्सेप्ट आपके से सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए. ओके, तो दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन सिंपली गिव एंड टेक अप्रोच. So, which animal species, okay, or which of the following, they are in as such symbiotic relationship, or they just lead, can be this cynaderian, okay, then fungi and protozoan. This all three are in this kind of symbiotic relationship. Okay, so answer is all three. अब फिर से यही है कि इनके symbiotic association देख ले, पर किसके साथ है ये भी एक बार चेक कर लो. कुछ टिपिकल रिजल्ट है क्या, जैसे दिस प्लस एल्गी लीड टू साइनोबैक्टीरिया, तो ये वाला भी चेक कर लो. इनका आईयूसीएन स्टेटस, राइट, नॉट ओनली नॉट दिस वन बट अगर और भी स्पेसिफिक है, सो लुक फॉर दैट एज वेल, राइट. डिग आउट एज मेनी पॉसिबिलिटीज. देन द नेक्स्ट थिंग इज बायोम. समहाउ कनेक्टेड विद द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स. टाइप्स ऑफ क्लाइमेट यू कैन कनेक्ट विद, वे इंटरलिंक विद. सो The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. ठीक है, scattered or dispersed trees है, but बहुत area है, you won't find tree as such. There you will find tropical grassland region as such. The forest development in such an areas is generally kept in check by one or more or combination of some conditions. Combination of some condition. Which of the following are such conditions? कौन से conditions responsible है for no tree over in the savanna region? देखो logical questions है, logical question. पहले तो validate ये करना है कि ये condition savanna में है क्या? अगर ये है, अगर if it validates, then whether it is responsible for the no development of trees, okay, or to remain only in the grassland status. See. This burrowing animals and termites possibility है, वैसे a bit less but still, yeah. But is it really possible कि ये इस condition को lead करेगा? I don't think so. Next, fire. You think so? Fire, forest fire? Absolutely. Forest fire होता भी है savanna में and simultaneously it seems it could lead to no trees condition. ठीक है? But that means that case. Grazing herbivores. Herbivores and carnivores, is it? कि अगर herbivores का number बहुत ज़्यादा है, giraffe, elephants, right? You will find those herbivores. और भी जो कुछ है, if they are not allowing that those grasses, okay, or the grassland to convert itself into a tree, yes, तो genetical makeup ऐसा हो जाएगा, okay, it remains other grassland, okay? So that's you will find, yeah, it may be, yeah, it is a case as well. Seasonal rainfall, okay, fine. Soil properties as well, ठीक है? तो यहाँ पर अब देखो, all of the above वाला option तो बनता है नहीं. One if you eliminate, you will left with 4 and 5 or 2, 3, 4. So I would like to go with 2, 3 and 4. A bit logical. देखो, हर कोई question information knowledge ही होगा आपको 100%, ऐसा नहीं होगा. You should learn how to apply your logic as. Next, 2021. Then. देखो फिर से, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर. अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप इनटू द कैनोपी विकारियसली बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एज एपिफाइट्स रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ ए ट्री. दिस डिस्क्रिप्शन इज मोस्ट लाइकली फॉर You think coniferous में ऐसा होता है epiphytes? देखो, मैं इस question को solve करूँगा तो मैं तो एक clue लूँगा. देखो, ये किसी book का एक paragraph होगा, किसी एक particular content का एक paragraph लिया. And then simply UPSC asks you to identify it. So देखो, इतने बड़े para में ऐसा नहीं होता कि everything is important. You have to identify clues. कि इस para में कुछ clues है. Without clue, UPSC is not going to ask you any question. Believe me,
not even a single question. So you have to look for clues given in the examination. Okay, sorry, question. So cannot be vicariously, then the soil is bare, almost a bare surface, okay, that way, and this lead to epiphyte formation. So dry deciduous ek hai, mangrove forest hai, coniferous forest hai, it seems, see, this rainforest is rather more appropriate, ठीक है, क्योंकि epiphytes वाली condition है, और epiphytes वाले जो strong points है वही पे बने. Next theme जो है हमारी plant species. Species पे question है, इसमें plant और animal species. Have a look over the question that was asked in 2020 and 21. So 21 में क्या question पूछा है देखो. अब basically again देखो ये दोनों भी जो trees है ना या plant species है, you will find those are in your surroundings. Usually हम क्या करते हैं, tend to neglect it. I am telling you, हम usually we just fail to understand our surrounding. और if surrounding को proper understand नहीं करोगे तो surrounding को read करने में fail हो जाओगे जब UPSC question पूछेगा तब, ठीक है? So it's about drumstick and it's about say this tamarind. So 5 statements have been given to you and you have to identify the correct one. The moringa or drumstick is a leguminous evergreen tree. No doubt it is evergreen and deciduous form as well. Whether it is leguminous, अब ये अगर आपने जब drumstick खा रहे होगे तब अगर आपने गूगल सर्च किया होता तो इसका आंसर मिल गया होता, राइट? बट वॉट यू यूजली, कि चलो ठीक है ना यार, ये यहाँ पर है, बुक में अगर होगा तो ही हम रीड करेंगे. नो मैन, एब्सोल्यूटली नॉट, बिकॉज UPSC इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन इवन फ्रॉम योर किचन एज वेल. यस, तो नेक्स्ट, दिस टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया. Now again, tracing its genetical roots, it finds that it is having having its origin in the African region. No doubt it is domesticated now in the South Asia, but iske jo roots hai, matlab jaise origin hai, that is what Africa. So ye statement bhi incorrect hai. Agar humne tabhi dekh liya hota to yes, absolutely we can attempt it. In India, most of the tamarind is collected as a minor forest produce. ठीक है, minor forest produce तो हो भी सकता है. ये India exports tamarind seeds of moringa कर सकते हैं या export भी तो करेंगे, क्योंकि ultimately if it has that potential, we can do that. And the seeds of moringa and the tamarind can be used in the production of biofuel. Biofuel का तो meaning ही है. Bio that means life, fuel. So that the fuel that is derived say by means of life, and that is what the form of life, right? So yes, can be derived. प्रोडक्शन हो ही रहा है ऐसे नहीं है, ठीक है, बट कैन बी डिराइव, एब्सोल्युटली जनरल स्टेटमेंट, यस, इट स्टैंड करेक्ट. सो योर कॉल शुड बी 3, 4 and 5. ओके, तो देखो दो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट दिए ना, वो बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग पे, अगर हमने कभी इस पे सर्च भी कर लिया होता ना, राइट, से वाइल्ड डिस्कशन, तो भी क्वेश्चन बन गया होता. देन थीम एनिमल स्पीशीज, you will find which of the following is a filter feeder. Simple, a filter feeder, it is, that is what given, are a subgroup of suspension feeding animal that feed by spraying suspended matter and food particles from water. And the answer that is given is catfish. Catfish is what, that particular one ki jo water se, say you will find that drains the required nutrients and suspended matters. Okay, sorry, not catfish, my mistake, catfish nahi, oyster. Okay, oyster you will find that answer, my mistake, okay, because catfish to waise bhi water mein hai. Then animal species, it's about elephant. Okay, so elephant, you know, it's our national animal, and what iske behavior pe question pucha hai. See characteristics or behavior pe question pucha hai of elephant. The leader of an elephant group is female. देखो पता होना चाहिए. Yes, calf जो जा रहा है elephant का, तो whether it is led by male or female, yeah? Then the maximum gestation period can be 22 months. Again, देखो characteristics of elephants. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. And among the states in India, highest population is in Kerala. देखो अब ये तो a bit factual है और पता होना चाहिए, तो that gives you the call actually, say कि यहाँ पे एक lead दे सकता है Karnataka, right? Karnataka that the state. तो अगर ये पता हो तो 4 and 4 eliminated, 1 and 2, 3. Now you have to look for, okay? कि actually
कैन ओनली वाला जो केस है ना, सो दैट इट गिव्स दिस स्टेटमेंट अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ओनली इन द सेंस एक्सट्रीमिटी दे रहा है, तो इट सीम्स के थर्ड इनकरेक्ट है. वन एंड टू सीम्स मोर जनरल स्टेटमेंट. सो आंसर इज एक्चुअली द आंसर इज इवन वन एंड टू. अब देखो एलिफेंट पे क्वेश्चन पूछा है, डज इट मीन कि अभी फिर से एलिफेंट पे पूछेगा? नो. अभी करंट में स्पीशीज देखो, कौन सी करंट अफेयर में? चीता. इज इट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? या सुप्रीम कोर्ट अगेन इज वॉट लुकिंग टू एस्टैब्लिश अ पैनल फॉर इट, राइट? सो दिस स्पीशीज विच आर इन करंट अफेयर ट्राई टू लुक फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन, रिजर्व्स एज वेल. तो दैट विल गिव यू एन एडिशनल एज. आर यू गेटिंग इट? आई थिंक आई एम जस्ट एबल टू कन्वे the very nature of this examination. ठीक है, कि environmental के questions भी, environment के questions भी predictable है guys, provided you should have the deep enough analysis of previous year question papers. Okay, then theme again animal species 2020. बहुत basic surface nature का question है, right? So it is just trying to understand, right? So whether you have heard this names, okay, of birds in current affairs. इतना ही question है, nothing more than that. इंडियन बायोडाइवर्सिटी, सील एंड फ्रॉग मॉथ, कॉपर स्मिथ, बैबिट, द ग्रेट चीन मिनीवेट एंड व्हाइट सूटेड रेड स्टार्ट आर बर्ड्स, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. करंट अफेयर्स में थे ये स्पीशीज सिंपली बर्ड्स, दे आर ऑल बर्ड्स. ओके, तो देखो यूपीएससी बहुत डिटेल में नहीं, जैसे एलिफेंट वाला क्वेश्चन देखो डिटेल था, 22 मंथ्स है या 40 ईयर्स है, that way led by female or not. तो यहाँ पर ऐसे कुछ पूछा ही नहीं about their character. Only let me know my friend which of this species are, whether bird, whether primate, whether mammal, that way. ठीक है, then daily life वाले question. I told you surroundings में बहुत ज़्यादा questions आते हैं अगर हम उसको proper understand करें. देखो अब यही है mosquito repellent. I guess हर किसी ने use किया ही होगा one or the other time. देखो कल फिर मलेरिया के रिगार्डिंग न्यूज भी थी इंडिया में, सो एशिया के लिए एक्चुअली. तो क्या करंट अफेयर्स में ये चीज रहेगी ही? नाउ क्वेश्चन इज सो सिंपली एंड यूपीएससी हैज एवरी राइट देन टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्ट. व्हाट क्वेश्चन इज अबाउट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट. अब देखो, अब अगर हमने जब मॉस्किटो रिपेलेंट यूज किया है, अगर उसके बैक साइड पे जाके अगर हम सब कंटेन इंग्रेडिएंट देख लिए होते हैं, डोंट यू थिंक ये क्वेश्चन इजी टू अटेम्प्ट है? क्वेश्चन है, यस एब्सोल्युटली. जस्ट लाइक दैट मोरिंगा बेस्ड क्वेश्चन है, ये ड्रमस्टिक वाला क्वेश्चन है, ये टैमरिन वाला, राइट? यू कैन एब्सोल्युटली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगर आपने ये चीज देखी होगी. तो आज भी अगर आप कोई चिप्स पैकेट खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, या कोई और भी फास्ट फूड इन द सेंस व्हाटएवर दोस स्टफ्स यू आर यूजिंग, पेड बॉटल पे क्वेश्चन है. देखो कल हमने 22 में मींस दैट पर्टिकुलर वीडियो, पेड बॉटल पर भी क्वेश्चन है. दैट वाज अ क्वेश्चन एज सच आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. सो एवरीथिंग इज स्टार रेटिंग पर क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन. अगेन द सेम स्टार रेटिंग ऑफ दिस ट्यूबलाइट बल्ब, एसी, रेफ्रिजरेटर, जो आपने देखा होगा. तो यू नो द क्वेश्चंस आर एब्सोल्युटली ऑन योर डे टू डे अफेयर्स. What if you are open-eyed, if you are with a curious mind, you will rather look for what exactly these things are. Okay, so the answer for this is lemongrass. Ab aur kya lemongrass ke other than lemongrass, what you will find? This citronella oil, lemongrass, eucalyptus oil and soybean oil, that just could be used. Okay, in this. अब देखो, अब सिर्फ अब इसका आंसर लेमन ग्रास है, बट डज दैट मीन कि ये ऑप्शंस इररिलेवेंट है हमारे लिए? नो गाइस, लुक फॉर दिस ऑप्शंस एज वेल. कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, नट ग्रास, मे बी इन द नेक्स्ट दिस ईयर इटसेल्फ यूपीएससी में आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस ऑप्शन, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर दैट मैटर. Okay, so do have this strategy, guys. Do have this strategy. Don't look for material. Okay, don't try to collect as much information as possible. Be targeted with what you are supposed to do for examination. Okay, देखो examination का this year का मतलब next year के examination के question past year के option से या question से बनते हैं, बहुत सारे questions रहते हैं. तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे इस चीज का प्रॉपर, यू वोंट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर फैक्ट.
ओके सो डू दैट थिंग यू विल रियलाइज दिस थिंग एज़ वेल देन अगेन डेली लाइफ पे क्वेश्चन है देखो इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट. अब ये जैसे हम जनरल जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है राइट अभी तो जैसे यू मस्ट हैव सीन के सीमेंट रोड्स बन रहे हैं राइट मोर ऑर लेस ऑल अक्रॉस इंडिया. सो द यूपीएससी वांट्स वेदर यू गाइस आर रियली क्यूरियस अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली द कंपोजिशन ऑफ दिस रोड और विच टाइप ऑफ मटेरियल इज सपोज टू यूज ओवर देयर और इट इज यूजिंग दोज मटेरियल्स आर बीइंग यूज्ड राइट. सो यूपीएससी हैज जस्ट आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब हल्का सा टेक्निकल है हॉट एस्पॉल्ट या कोल्ड एस्पॉल्ट एज वेल. सो कॉपर स्लैग यस कोल्ड एस्पॉल्ट कोल्ड मिक्स एस्पॉल्ट टेक्नोलॉजी जियो टेक्सटाइल्स या दोस कुड बी यूज एक्चुअली देन हॉट मिक्स नहीं है पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है द आंसर इज विल फाइंड 1, 2, 3. तो अगेन आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन शायद रिपीट नहीं होगा बट क्वेश्चन की जो फिलोसॉफी है ठीक है क्वेश्चन फ्रेम करने के पीछे जो माइंडसेट है वो हर ईयर रिपीट होगा ही होगा. तो एक बार अगर वो माइंडसेट समझ आ गया वो फिलोसॉफी अगर गाइड समझ आ गई बिलीव मी से एग्जामिनेशन बिकम्स मच मोर प्रेडिक्टेबल. ओके देन देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज 2021 वाला क्वेश्चन है. R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट्स अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ. अब ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था इट वॉज प्रीटी मच इन द करंट अफेयर्स दो नॉट एज वेल नोन बट फिर भी देखो अब ये बहुत है क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एज इन डिटेल. देखो क्वेश्चन की डेप्थ कितनी है डेप्थ इज नथिंग सिर्फ उसको आपको पता होना चाहिए R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस ठीक है ये है क्या इनफ राइट. यू आर नॉट सपोज टू गेट ईयर कब था कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है किस लेवल पे काम कर रहा है द फंडिंग मैकेनिज्म क्या है नो एब्सोल्युटली नॉट ओनली look for what it is bas dekho to if you analyze the previous papers you will get to know about this so environmental responsible practices in electronics recycling industry. ab yahan par dekho question hai electronic recycling don't you think it is also say you have to look then for ke electronic hai to then automobile ke liye koi aise code of practices hai. Do we really have any code of practices for industries as well? Do we really have internationally or nationally as well, say such code of practices for either say any of the polluting industry? Agar ho, absolutely you are supposed to go through. Okay, so yahi hai predictability of the examination. Then theme again international convention treaties with reference to the New York Declaration on Forests. Which of the following statements are correct? देखो अब इसकी डेप्थ देखो दो क्वेश्चन है नाउ यू आर हैविंग डेप्थ होती क्या है राइट तो डेप्थ अब समझ आएगी आपको समटाइम्स यू मे गेट कंफ्यूज कि सर एग्जैक्टली डेप्थ और हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है मतलब क्या है सर्फेस क्वेश्चन है मतलब देखो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस वाला क्वेश्चन बहुत सर्फेस ईयर क्वेश्चन है ज्यादा डेप्थ ही नहीं है क्या है इतना ही पता हो तो दैट इज इनफ बट दैट इज नॉट गोइंग टू इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट. Have a look over. Five statements have been given with respect to it. मतलब depth है. Five different facts you must be knowing about. It was the first endorsed by the United Nations Climate Summit in 2014. Okay. Then it endorses a global timeline to end the loss of forests. Yeah. Then you have to take some mission mode. You have to be in a mission mode to control the deforestation. Okay, or to again rejuvenate that forest, loss of forest. It is legally binding international declaration fact hai. Pata hoga, tu hi answer kar paoge. Yeah, logically, if possible, so that, but that is not the case. It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities. It seems a cooperative, okay, community effort hai. And India was one of the signatory of its inception. Ye bhi fact hai. Pata hoga, tu hi hoga. So five fact hit means at least, we have to look for say 5 to 7, 10 to 7 to 8 facts about this convention treaty tabhi 5 fact answer kar paoge right to iska answer waise hai 1, 2, and 4 okay so this is what and again say repeating question repeat nahi hoga बट क्वेश्चन की जो फिलोसॉफी है जो क्वेश्चन जिस माइंडसेट से फ्रेम्ड हुआ है वो हर बार रिपीट होगा ओके then protected resource
कंपलसरी क्वेश्चन होता है से सिंस 2014-15 से कंपलसरी क्वेश्चन है प्रोटेक्टेड रिजर्व्स, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी प्रीलिम्स अपना उसे यूपीएससी हैज मेड इट इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो विद द सिविल सर्विसेज 2020 यू विल फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सर्च स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वान डियर बारासिंघा दैट थ्राइव्स वेल इन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली से ग्रैमिनिवोरस। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, ग्रैमिनिवोरस यू हैव टू लुक फॉर इंडियन स्वान डियर राइट एंड then look for each of these options. See, you are preparing yourself for the next examinations. Right? Are you getting? Iska answer to hai Kanha National Park. Thik? Kanha National Park. So, ab yaha par hai Kanha National Park. So, do look at the Kanha National Park, where it is exactly. In addition, say, some few information, say, some critical information about the Kanha National Park. Then about Manas National Park, Mudumalai. ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी राइट, और कुछ जो टर्म्स है यहाँ पे दोस्त थिंग्स क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा बट ऑप्शन से क्वेश्चंस और बनेंगे, ओके। सो आंसर इज कान्हा नेशनल पार्क फॉर इंडियन स्वान डियर। ये तो इंफॉर्मेशन आपने माइंड में फिट कर ली बट अब क्वेश्चंस के लिए भी पॉसिबिलिटीज वी विल लुक फॉर। देन अगेन थीम प्रोटेक्टेड एरियाज 2020 with reference to India's desert national park, consider the following statement. देखो question is now in depth है, a bit depth है, ठीक है। कैसा है? तीन statement है। देखो it is spread over two district. Now you must be aware about, अब इसकी location अगर पता हो तो ही होगा, या it is in the Barmer, okay, Barmer and Jaisalmer district, okay, Jaisalmer district you will find this desert national park. अब चलो ठीक है, that is what yeah fact है, but you can even solve it by logic. There is no human habitation inside the park. Guys, is it really possible that you just say avoid any human habitation over there? I think no. Why? Because see, human is nothing without nature. And even nature is now in this 21st century is somehow incomplete without human as well. ठीक है? तो human has paid to every extent of this nature's affairs. Okay? तो even in the desert national park, वहाँ भी human habitations है. There are many tribals over lying in the desert national park. Jaisalmer and this Barmer district as well. ठीक है? तो this statement seems extreme? No. It is one of the natural habitats of the Great Indian Bustard. देखो, again, question. Great Indian Bustard current affairs में है. Supreme Court is looking to have some like project tiger, say for this GB as well. Great Indian Bustard. That was a mascot for convention on migratory species. Yeah, CMS. Yeah, that was the case. Okay, and UNCCD वाली जो कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई थी उसी का भी ये मैस्कॉट था, ठीक है, उसी कन्वेंशन का मैस्कॉट था। सो इफ यू इलिमिनेट टू यू विल लैंड ओवर ऑन द ऑप्शन सी 1 and 3, ओके। तो अब व्हाट यू हैव टू लुक फॉर दिस डेजर्ट नेशनल पार्क, अगेन लुक फॉर सम नेशनल पार्क्स इन राजस्थान एंड अगेन दिस स्टेटस ऑफ गिबी, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देन वी अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज largest area under critical tiger habitat. Critical tiger habitat, that is what the core area such, right? You must be knowing के जो जो ये protected reserves होते हैं उनके ऐसे zonations होते हैं, right? Core, buffer and outer periphery. तो say critical tiger habitat, it is again this Nagarjun Sagar, Sri Salem, that is in Andhra Pradesh, ठीक है? So it is having as such the largest tiger habitat, critical tiger habitat, and it is one of the largest tiger reserve as well in India. So now in this context, देखो कितने tiger reserves हैं, 54 as such. Who declares the tiger reserves as then again information about this tiger reserves and do locate each of this tiger reserves. So देखो you are preparing yourself for the next examination. Then industry again theme, ठीक है, in theme है industry. Why there is concern about copper smelting plants? बहुत 2021 का क्वेश्चन है, एंड व्हाई देयर इज अ कंसर्न अबाउट। सो कंसर्न इज मेनली से
they may release lethal quantities of carbon monoxide into environment. Is it? Yeah, okay, industry hai to release karegi. Aisa bhi question hota hai, which of the following are released from say coal fired plant, thermal power plant. Okay, and I think copper industry as well. ठीक है, ये भी इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, ये तो क्वेश्चन और भी है उसमें. ओके, सो या द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट, व्हाई नॉट. देखो मॉडरेट जनरल स्टेटमेंट दिख रहा है, कैन लीड टू लीचिंग. लीचिंग इट मींस द मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम द टॉप सर्फेस टू द डाउन सर्फेस, ठीक है, और द डाउनवर्ड लेयर. ओके, अलॉन्ग विद द वॉटर मेनली इट इज लीड बाय वॉटर. ओके, तो क्लासरूम में ना हम ये सब टॉपिक्स इंटीग्रेटिवली ही स्टडी करते हैं. सो द मोर यू एबल टू कनेक्ट, द मोर यू एबल टू से अंडरस्टैंड दोस टर्म्स ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है. ओके, सो दे मे दिस स्टेटमेंट या स्टैंड जनरल, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट. इट सीम्स यस मे रिलीज, तो होता ही होगा क्योंकि इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट ऑल रिलीज. आंसर इज डी. नेक्स्ट, with reference to furnace oil, consider the following statements. It is a product of oil refineries. Okay, furnace oil refineries ke products hai, theek hai, yes, general statement, and it seems you should have the basic minimum idea. Then some industries, now industry used to generate power, ho sakta hai, ho raha hai in fact. Okay, and it use causes sulfur emissions into the environment. Dekho general statement hai, don't you think so? Again it leads to sulfur emission. Answer is 1, 2, and 3. तो इंडस्ट्री से एक याद रखना, almost every pollutant is what released, right? Say from industry. Copper melting, coal fired plant, thermal power plant, this furnace oil, okay? Or maybe again और भी जो aluminium plant है, whatever, right? You will find that release. So look for this particular status information about furnace oil, okay? And that related question. Then consider the following statements. Coal ash contains arsenic, lead and mercury. Yeah, coal ash, it contains arsenic, lead and mercury, right? So yes, that stands correct. अब यहाँ पर coal से ही replace कर दो, और भी किसी जो current affair में minerals है, या और भी जो minerals है, petroleum में क्या होता है, ठीक है, in general idea about, okay, petroleum related. You can look for coal-fired power plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment. देख question की theme repeat हो रही है. Don't you think guys 2020 का question है? Question की देखो theme repeat हो रही है. Yes, three question on industry. Don't you find कि तीनों भी question more or less on the same line है? I told you question repeat नहीं होगा. Question की philosophy, question का mindset repeat होगा, structure repeat होगा. So learn this from question analysis. Okay, then high ash content is not observed, sorry, is observed in Indian coal. Again answer that stand D, all of the above. Answer B, all of the above, let it be. Answer, I'm not going to make it generalized ke wo wale tricks main nahi dunga. Okay, but what I'm looking for ke mindset samjho. Okay, what I'm actually say trying to explain over here, if you understand this simple fact now from this half an hour or that the discussion, that is what the real purpose of this engaging this PT marathon is fulfilled. Yeah, so ye samjho ki question, har question ki bijaye na koi philosophy, koi mindset hota hai. Okay, to wo agar aap read kar paaye, wo samajh paaye, to aapka half work is already done, right? So industry, then again steel slag can be material for which of the following? Steel slag, so that is kind of a waste, that is say from steel industry. Construction of base road, okay. Improvement of organic agriculture soil, okay. Yes, after its say cooling or solidification, and then production of cement. Yeah, this could be used for all of the above. So answer is D, all of the above. Okay. तो देखो ऐसे ही है, स्टील स्लैग, कॉपर स्लैग, देन शुगर मोलासेस, ठीक है, ये भी कर सकते हो, राइट. पॉसिबिलिटीज आर मेनी, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दोस पॉसिबिलिटीज. ओके, देन एक्ट और लेजिस्लेशन थीम. इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्रोड्यूस अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट इज द इंप्लीकेशन.
अब फॉर दैट मैटर यू शुड नो व्हाट schedule 1, schedule 2, this is about the highest level of protection. Schedule 3 and schedule 4 is about what? Somehow जो enjoys protection but a bit less punishment. Then schedule 5 is about vermin, those animals just could be declared as vermin. And schedule 5, those species are required some special permissions for that matter under Wildlife Protection Act 1972. Now, don't you think question would be asked on Environment Protection Act, Biological Diversity Act 2002, Forest Right Act 2006, Water Right Act, Water Act, Air Act, SAES Act, right? Water SAES Act. So, ये सब कुछ जो environmental domain में, ठीक है, जो legislations है, important acts है, you will find for sure questions in examination. And believe me, if you are not identifying this from the previous year analysis, तो फिर आप तो एक misguided missile हो. What you are doing like everything that is made available in the market. No. Be specific about what you are going to read for, right? And in which particular way as well. So, this particular question, act and legislation, this answer is ke liye to hai, a license, permission required to cultivate that particular plant. Okay? So, this one, and I guess, it is the last one now. India's national policy and biofuels, which of the following can be used as raw materials for the production of biofuels? अब सिंपल है, इसके लिए पहले आपको अब यहाँ पे ना एक बेसिकली लॉजिक्स है, या लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है. 2020 का क्वेश्चन है कि बायोफ्यूल क्या होता है. यू नो कि सिंपली बाय मीन्स ऑफ लाइफ हम फ्यूल जनरेट कर रहे, प्रोड्यूस कर रहे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट. अगर ना हो तो बायोफ्यूल के स्टेजेस देख लो, फिर से एक बार 2018 की बायोफ्यूल पॉलिसी भी चेक कर लेना, ठीक है, दैट विल बी प्रीटी मच हेल्पफुल फॉर यू. एंड नॉट ओनली बायोफ्यूल पॉलिसी, लुक फॉर से द सोलर पॉलिसी एज वेल, लुक फॉर द अगेन क्लाइमेट एक्शन प्लान एज वेल, नेट जीरो कमिटमेंट्स ऑफ इंडिया, पंचामृत पॉलिसी गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर. तो जितना इसको ओपन रखोगे ना, you will find, you can collect, say, or you will find yourself prepared for those possibilities. Okay, so dekho, biofuel policy. Now, it is very clear, or even the framer was pretty much aware about ki ye sab kuch cheeze yaad rakhni possible nahi hai. ठीक है, जो अब ऑप्शन देखोगे आप कि कौन से यूज कर सकते हो, कौन से नहीं कर सकते, ये ऑप्शन का इट सीम्स क्लियर दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दोज नेम्स. कितने नाम याद रखोगे? एब्सोल्युटली नॉट. What you have to identify, okay, again, the philosophy, the mindset of framer. That framer is not looking to identify all those six. No. Framer want at least eliminate man one or two options. देखो, एक या दो option अगर आप with certainty अगर eliminate करते हो, you will land on, at the answer exactly. ठीक है? See. देखो, कैसा हुआ, right? इट मे बी ए केस वी आर नॉट श्योर अबाउट होगा या नहीं होगा, क्योंकि बने देखो हर किसी से बायोफ्यूल तो बनेगा, राइट, पोटेंशियल, बट वेदर अंडर बायोफ्यूल पॉलिसी गवर्नमेंट इज गोइंग टू अलाउड इट और नॉट, बिकॉज वी आर बेसिकली, यू नो, वी आर द कंट्री विद द 140 करोड़ ऑफ पीपल, वी हैव टू एंश्योर द फूड सिक्योरिटी ऑफ ऑल ऑफ देम. तो गवर्नमेंट अगर बायोफ्यूल बनाने के लिए अगर जो फूड है अगर वो ही इनफ वो भी अगर बायोफ्यूल में कंज्यूम कर देगा तो फिर इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, राइट, डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा एंड दैट वुड लीड टू अ प्रॉब्लम. सो गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन इज नॉट गोइंग टू अलाउ फॉर अ टाइमिंग, राइट, के हियर ऑनवर्ड इन फैक्ट यू विल फाइंड कि अलाउड नहीं करेगा फॉर रेगुलर यूज, ओके, दोज रेगुलर यूज फूड ग्रेन सीरियल्स और पल्सेस ऑयल सीड्स. पल्सेस और ऑयल सीड का तो केस वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि वी आर इधर इन दैट वे एज वेल वी आर द इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स. इस पर क्वेश्चन यूपीएससी में आया भी है. तो जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हम तो पल्सेस और ग्राउंड ऑयल सीड्स को तो प्रमोट ही नहीं करेंगे बायोफ्यूल के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एडवाइजेबल. हाँ, यू कैन लुक फॉर कि जो बेसिकली यू आर हैविंग कंपैरेटिवली हाई प्रोडक्शन और यू आर बेसिकली हैविंग इट एज ए बाय प्रोडक्ट, तो वो यू आप यूज कर सकते हो, या डैमेज्ड है यू कैन यूज इट. बट इफ यू आर गोइंग टू अलाउ इवन से द पल्सेस ऑयल सीड्स और द रेगुलर कंजम्पशन स्टेपल डाइट फूड्स, that is absolutely this national biofuel policy is not supposed to have. Okay, so have a look over how I'll rather solve this question
डैमेज व्हीट एंड ग्रेन्स, देखो डैमेज व्हीट और ग्रेन्स है तो इट इज एक्सेप्टेबल इफ से ड्यू टू मे बी ड्यू टू सम स्टोरेज इशू, मे बी ड्यू टू सम क्लाइमेट इशूज, राइट। तो अगर वेदर इशूज, क्लाइमेट इशूज से अगर ये डैमेज हो रहे हैं, हैविंग से डिक्लाइन क्वालिटी कंपेरेटिवली पुअर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी एज वेल, तो यू कैन यूज दैट। आई दिस इज वॉट अ लॉजिक, राइट। तो हो सकता है ग्राउंडनट सीड, आई गेस ग्राउंडनट सीड, देखो ये है ऑयल सीड। इंडिया बीइंग ए इम्पोर्टर कंट्री ऑफ ऑयल सीड, यू रियली फील कि हम अलाउ करेंगे ग्राउंडनट सीड को, सीड्स को सॉरी, फॉर बायोफ्यूल प्रोडक्शन? आई बिलीव नॉट, राइट। लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, बट इट इज बेस्ड ऑन सम आइडेंटिफिएबल फैक्ट्स। इसके पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो लॉजिक अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक 3 इज नॉट दैट करेक्ट ऑप्शन। हॉर्स ग्राम पल्सेस, really think so? No, क्योंकि import कर रहे हो, this an allied say product, तो absolutely pulses के लिए फिर हम इसको allow नहीं करेंगे। Rotten potatoes, okay, rotten है ना, तो waste है anyways, right? Somehow waste है, yeah, you can use that. Then sugar beet, okay, yeah, it is in fact in use. So what I think, see, I should go with the this elimination for ground nut seeds. अगर मैं eliminate कर दूँ that left to the A. Even if I eliminate 4, देखो आंसर फिर भी मेरा A ही आएगा. So it gives me a bit certainty, इसका आंसर वैसे भी A ही है. Right? देखो, so that is what I'm telling you again, guys. Right? See, from this half an hour discussion, if you have understood this simple fact, कि question as it is repeat नहीं होगा, but question की जो philosophy है, question framing के पीछे जो mindset है, वो रिपीट होगा, एंड दैट इज व्हाट से 10 इयर्स एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर इट एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट्स ऑन। सो दिस इज ऑल अबाउट से ईयर 2021 एंड ईयर 2020 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी डिफरेंट थीम बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, आई ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ईच ऑफ दोस क्वेश्चंस, ओके, बेस्ड ऑन द वेरियस थीम्स। फिर भी अगर कोई थीम्स अगर रहती है, सो यू कैन एब्सोल्युटली लुक फॉर ऑन योर ओन एज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई गेस के दिस डिस्कशन इज हेल्पिंग यू गाइज अ लॉट। ओके, सो इफ येस, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।